वार्ड पार्षद की प्रत्याशी बनी रुमाना, वार्ड नंबर 21 से चुनाव लड़ेंगी रुमाना। रुमाना का प्रतिनिधित्व करेंगे मोहम्मद इमरान। जनता से क्षेत्र के विकास का किया वादा। बिहार में नगर परिषद चुनाव की चर्चा ने एक बार फिर जनता का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक बार फिर से प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। मुंगेर जिले के नगर निगम मुंगेर के वार्ड नंबर 21 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी है रुमाना प्रवीण, जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मोहम्मद इमरान उर्फ मून। मोहम्मद इमरान कई वर्षों से सामाजिक स्तर पर जुड़कर समाज सेवी का कार्य कर रहे हैं। मोहम्मद इमरान ने कहा कि इस बार के नगर निकाय चुनाव में मुंगेर नगर निगम के वार्ड नंबर 21 से मैं पत्नी रुमाना प्रवीण को वार्ड पार्षद का प्रत्याशी बनाया हूं, जिसका प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं। अगर इस बार जनता मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी तो मैं अपने क्षेत्र में सरकार द्वारा सारी योजनाओं को धरातल पर उतारूंगा। क्षेत्र में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम होगी। क्षेत्र में जल जमाव की समस्या को दूर करूंगा। गरीबों पर विशेष ध्यान होगा। शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य होगा। वार्ड में स्वच्छता योजना के द्वारा साफ सफाई की जाएगी, जिससे हमारा वार्ड स्वच्छ हो। वार्ड नंबर 21 में शिक्षा पर विशेष ध्यान होगा। युवाओं के लिए भी विशेष ध्यान दूंगा। क्षेत्र के सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलूंगा। गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा आवास दूंगा। वार्ड की हर गली को पक्कीकरण किया जाएगा। अपने वार्ड को मुंगेर नगर निगम में नंबर 1 बनाऊंगा विकास के मामले में। मोहम्मद इमरान ने अपने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि इस बार के नगर निकाय चुनाव में मेरी पत्नी रुमाना प्रवीण को वार्ड नंबर 21 से वार्ड पार्षद के लिए समर्थन दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी निराश नहीं करूंगा और वार्ड नंबर 21 का बेहतर विकास करूंगा। रुमाना प्रवीण का चुनाव चिन्ह वायुयान छाप है, जो कि क्रम संख्या 4 पर है। आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आलोक राज। इन दिनों बिहार में चुनावी सरगर्मी काफी तेज है, क्योंकि यहां पे नगर निकाय का चुनाव चल रहा है। आपको बता दें कि बिहार में 2 चरण में नगर निकाय का चुनाव होने वाली है। प्रथम चरण का जो मतदान था वो 18 दिसंबर को था, जिसका गिनती भी आज 20 दिसंबर को हो रही है। और दूसरे चरण का जो मतदान है वो 28 दिसंबर को है, जो कि दूसरे चरण में है। मुंगेर जिले के मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में द्वितीय चरण में मतदान है, जो कि 28 दिसंबर को होगा। आज मैं मुंगेर जिले के मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 21 में आया हूँ। इस क्षेत्र में जब हम आए और यहाँ के जनता जनार्दन से जब हमने संपर्क किया, वहाँ के लोगों से जब हमने बातचीत की, तो यहाँ पे एक प्रत्याशी है जिनका नाम है रुमाना प्रवीण। इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इमरान उर्फ मोनू जी, इनके बारे में पता चला। आपको बता दें कि मोहम्मद इमरान कई वर्षों से सक्रिय रूप से समाज सेवी का काम कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में जनता जनार्दन का ये लोग काफी मदद भी कर रहे हैं। इस बार ये अपनी पत्नी रुमाना प्रवीण जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाए हैं वार्ड पार्षद का, और ये खुद प्रतिनिधित्व करेंगे। आज हम इनके पास आए हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो ये वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, और इस क्षेत्र की जनता अगर इनके ऊपर विश्वास करके इनको यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी तो ये किस तरीके से अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। मोहम्मद इमरान जी, सबसे पहले आपका आदर्श वाला टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मैं सभी 21 नंबर वार्ड का जनता का नमस्कार करता हूँ जी, और मैं सबका स्वागत करता हूँ। एक बार मुझे मौका दिया जाए जी। 15 साल में जो वार्ड के अंदर नहीं हुआ है, जिस हिसाब से स्ट्रीट लाइट है, नाला का निर्माण है, नाली की गंदगी, रोड की सफाई और अन्य बहुत ऐसा वर्क है जो नगर निगम से मुझे लेके आना है और आप लोग के समीप वो चीज़ को पेश करना है जी। बहुत जी इमरान जी, आप लगातार कई वर्षों से समाज सेवी के रूप में काम करते आ रहे हैं अपने वार्ड में, तो इस बार आप अपनी पत्नी को वार्ड पार्षद का चुनाव क्यों लड़ा रहे हैं और आप राजनीति में क्यों आए? इसलिए आना चाहता हूं मैं, क्योंकि मैं यहां से निकलता हूं गली से बाहर जी, तो रोड पे गंदगी रहती है। यही कारण है कि मुझे मजबूरन खड़ा होना पड़ा कि बोलते बोलते पूरी जनता यहाँ की थक जाती है कि कूड़ा ककर साफ सफाई ये नहीं होता है। मजबूरन हम लोग को इसी वजह से हम अपनी वाइफ को रुमाना प्रवीण को वार्ड पार्षद के रूप में खड़ा किया। वर्तमान में अभी जो है आपके वार्ड में अभी प्रमुख रूप से क्या क्या समस्याएं हैं? प्रमुख रूप से मेरे वार्ड में बहुत ऐसी समस्या है, जैसे कि नाला का निर्माण होना है, जैसे कि पानी का निकास जल जमाव हो जाना, रोड के ऊपर घुटना भर नाला का पानी जल जमाव हो जाता है, ये सब का निर्माण, स्ट्रीट लाइट का निर्माण, राशन कार्ड है, और भी बहुत ऐसा योजना है जो मैं लाना चाहता हूं अपने वार्ड में, और मैं करके दिखाना चाहता हूं पूरी जनता को कि मेरे जैसा वार्ड
पार्षद पूरे वार्ड नंबर 21 के अंदर नहीं मिले। इस क्षेत्र की जनता आपकी पत्नी के ऊपर विश्वास करके यहाँ से वहाँ उनको वार्ड पार्षद बनाती है और आपको यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का अगर मौका देगी तो सबसे पहले आप अपने वार्ड में कौन सा काम करेंगे? सबसे पहला काम है मेरा नाला का। सबसे पहला प्राथमिकता आपका नाला का? पहला प्राथमिकता नाला का है। सबसे पहला नाला का निर्माण हम करना चाहेंगे अपने वार्ड के अंदर। सबसे ज्यादा परेशानी उसी से। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासियों क्षेत्र वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव में? मैं यही अपील करना चाहता हूं 21 नंबर वार्ड के जितने भी जनता भाई एवं बहनों हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं, एक बार मुझे चांस दें और विजय बनाएं। मैं आपके लिए एनी टाइम एनी हाउ आपके दरवाजे पे एक कॉल पे खड़ा रहूंगा। बस यही निवेदन है मेरा आपसे। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है हवाई जहाज छाप।